नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज चौहान। दोस्तों आज बात करेंगे थनेला रोग के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि आपका पशु इस रोग से काफ़ी परेशान हो रहा होगा, परेशान हो चुका है, बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरता है। और दोस्तों एक बार ये रोग होने के बाद में पशु किसी काम का नहीं होता है। और आपको ये भी पता होगा कि ये रोग वर्ल्ड वाइड डिजीज है, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये रोग फैला हुआ है। आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन यदि आप देसी नुक्स अपनाते हैं तो 100% ये काम करेगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, आपको पूरा वीडियो देखना होगा। बहुत सारे भाई होते हैं कि वीडियो को पूरा देखते नहीं है और टाइटल देके कमेंट्स कर देते हैं। दोस्तों अधूरा नॉलेज हमेशा प्रॉब्लम करता है। यदि वास्तव में आपको यदि 100% ट्रीटमेंट करवाना है, अपने पशु का इस रोग से छुटकारा दिलाना है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। एक वीडियो में इस रोग का पूरा समाधान आज आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, जब पशु की डिलीवरी होती है और डिलीवरी होते आपको लग रहा है कि पशु का अडर टाइट हो गया या सेलिंग आ गई, गांठ हो गई, तो तत्काल आपको क्या करना है कि एक केला लेना है और उस केले के अंदर एक कपूर डाल के पशु को खिला देना है। पूजा वाली कपूर की बात कर रहा हूं, जो पूजा पाठ में काम में लेते हैं, जो भीमसेन या फिर कई नामों से ये पूजा वाली कपूर आपको मार्केट से मिल जाएगी। तो आपको एक कपूर लेके आना है और केले के अंदर इसको डाल के देना है। और बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो केला नहीं खाते हैं, तो आपको इस कपूर को गुड़ में डाल के भी आप दे सकते हैं। तो आप देते हैं तो बिल्कुल जो सेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, गांठ हो गई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आपको इस प्रकार से 4 खुराक देनी है, एक सुबह देनी है, एक शाम को देनी है। इस प्रकार से आपको 2 दिन देना है, लेकिन एक बार में एक टेबलेट से ज़्यादा नहीं देनी है, यानी एक पूजा वाली कपूर से ज़्यादा नहीं देनी है। बहुत सारे भाई होते हैं कि शायद एक साथ 2 या 3 दे दे, बिल्कुल नुकसान कर देगा आपको। फिर मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आपको एक ही पूजा वाली कपूर आपको देनी है एक टाइम, और फिर आपको दूसरी टाइम फिर आपको देना। इस प्रकार से 4 टाइम 4 कपूर आपको देनी है, इससे ज़्यादा आपको देनी नहीं है। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको ठंडे पानी से थन की मालिश करनी है, बर्फ से मालिश करनी है, और इसके अलावा आपको एक लेप तैयार करना है। तो लेप के लिए क्या करना है कि आपको 100 ग्राम हल्दी पाउडर लेना है, 2 एलोवेरा के पत्ते लेके आना है, डायरेक्टली काट के लेके आना है, ऊपर से ना तो उनको छीलना है न पानी में धोना है। यदि मिट्टी लगी हुई है तो कपड़े से आप साफ कर सकते हैं। उसके बाद में लाके मिक्सी में ग्राइंड करना है, उसके बाद में इसमें 100 ग्राम हल्दी मिला देना है, और 100 से लेकर 150 ग्राम के लगभग सरसों का तेल इसमें मिला देना है, 50 ग्राम सफ़ेद फिटकरी का पाउडर इसमें मिला देना है, और 5 ग्राम चूना मिला देना है। खाने वाली चूने की बात कर रहा हूँ, जो पान की दुकान पर मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो तम्बाकू खाते हैं चूने में मिला के, तो वो चूना आपको लेना है, और इन सभी को मिक्स करके एक बोतल में रख देना है, और फिर रोज़ आपको मालिश करना है। ये 3 या 4 रोज चलेगा, फिर दोबारा से आप बना के फिर आपको अप्लाई करना है। आपको ऐसा कंटिन्यू करना है, 10 से 15 दिन आपको रेगुलर ये मालिश करनी है। और पूजा कपूर, जो पूजा वाली कपूर है, वो आपको ओनली सिर्फ 2 डेज देना है, बिल्कुल इस रोग का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि रोग थोड़ा सा पुराना है, उसमें मवाद आ रही है, छींचड़े से आ रहे हैं, पानी से आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको जिंक ऑक्साइड लेके आना है। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। तो आपको 2 पैकेट 20-20 ग्राम के, यानी 40 ग्राम आपको जिंक ऑक्साइड लेके आना है। यदि आपको मार्केट में नहीं मिल रहे तो आप हमारे को ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम आपके घर तक ये जिंक ऑक्साइड पहुंचा देंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इसमें से 5 ग्राम जिंक ऑक्साइड आपको लेना है, 50 ग्राम हल्दी पाउडर लेना है, 50 ग्राम मीठा सोडा लेना है, और 100 ग्राम गुड़ लेना है, और इन सभी को मिक्स करके मिला देना है और लड्डू बना देना है। उसके बाद में इस फॉर्मूले को नाइट में देना है। और दोस्तों ये 1 दिन की खुराक है और एक ही टाइम देना है, ओनली नाइट में देना है। उसके बाद में फिर 2nd डे आपको इसी प्रकार से बना के आपको देना है। तो कम से कम 5 दिन से लेकर 8 दिन तक आपको रेगुलर जिंक ऑक्साइड वाला फॉर्मूला आपको देना है। तो ये एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, अंदर के इन्फेक्शन को खत्म कर देगा और थन में जो छींचड़े आ रहे हैं उनको सभी को क्लियर कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों यदि जिंक ऑक्साइड ना मिले तो आप क्या करें। तो दोस्तों इसके अलावा यदि जिंक ऑक्साइड आपके पास नहीं है, जब तक आपके पास नहीं आएगी, तो आपको क्या करना है कि एक दूसरा फॉर्मूला आपको और बताने जा रहा हूं,
तो वो फॉर्मूला है कि आपको 250 ग्राम लेमन जूस लेना है, यानी नींबू का रस आपको निकालना है, 250 ग्राम सरसों का तेल लेना है और 250 ग्राम देसी खांड लेना है जिसको शक्कर बोलते हैं, 50 ग्राम हल्दी पाउडर लेना है, 50 ग्राम जीरा लेना है और 50 ग्राम आपको मीठा सोडा लेना है। इन सभी को मिक्स करके मिला के और नाइट में पशु को देना है। ऐसा आपको रोज नाइट में देना है और 10 से 15 दिन तक रेगुलर आपको ये फॉर्मूला देना है। इससे दूध भी बढ़ेगा और थन की जो प्रॉब्लम है वो भी क्लियर होगी और जो आपने लेप तैयार किया है वो आपको रेगुलर लेप तैयार करना है, वो तो आपको रेगुलर अप्लाई करना है, ठंडे पानी से उसको धोना है। और यदि आप जिंक ऑक्साइड वाला फॉर्मूला दे रहे हैं तो दोपहर में आपको क्या करना है कि 250 ग्राम लेमन जूस और 500 ग्राम चीनी इन दोनों को मिला के और पशु को पिला देना है, यदि आप जिंक ऑक्साइड वाला फॉर्मूला दे रहे हैं तो। और यदि जिंक ऑक्साइड वाला फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं और ये फॉर्मूला जो आपको मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग आधा वीडियो देखते हैं अधूरा नॉलेज लेके फिर आप हमारे को कमेंट्स करते हैं। दोस्तों इस फॉर्मूले को फिर आपको मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 50 ग्राम हल्दी पाउडर लेना है, 50 ग्राम जीरा लेना है, 50 ग्राम मीठा सोडा लेना है, 250 ग्राम सरसों का तेल लेना है, 250 ग्राम खांड लेना है जिसको देसी शक्कर या खांड बोलते हैं जो गुड़ की बनती है वो लेना है, और 250 ग्राम लेमन जूस लेना है। इन सभी को मिला के और नाइट में देना है जब पशु चारा पानी खा के बैठ जाए। यदि जिंक ऑक्साइड वाला फॉर्मूला आप नहीं दे रहे हैं तो आपको ऐसा करना है। उसके अलावा दोस्तों जब पशु का दूध निकालते हैं उसके एक या दो घंटे बाद में आपको 4 दिन तक रेगुलर, यदि उसके दूध में खून आ रहे हैं, थोड़े से चीचड़ आ रहे हैं, पानी से आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको 1 लीटर दूध लेना है और 500 ग्राम चीनी लेना है, इन दोनों को मिला के पशु को पिला देना है। ये रेगुलर आपको 4 दिन तक देना है और फिर उसके बाद में 2 या 3 घंटे बाद में आप जिंक ऑक्साइड वाला फॉर्मूला दे सकते हैं या फिर वो जो मीठा सोडा हल्दी लेमन जूस वाला फॉर्मूला आप दे सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको ये करना है और जो लेप है वो आपको रेगुलर कंटिन्यू आपको लेप जारी रखना है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप दूध निकालते हैं तो बिल्कुल हाथों को धोके बर्तन को धोके दूध निकालिए और दूध आपको पूरा निकालना है, जिस तन से जैसा भी दूध आ रहा है उसको पूरा निकालना है, उसका छटाव करना है। यदि आप उसमें दूध छोड़ोगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों इन सभी समस्याओं के अलावा यदि पशु का थन बंद हो चुका है, उसमें दूध नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी दूध नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लेप तो चालू रखना है, जो आप लेप लगा रहे हैं वो आपको चालू रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है कि नीम की एक छोटी सी कुप्पल लेना है जिसको सींक बोलते हैं, जहाँ पत्ते लगे होते हैं, पत्तों को हटा के और जो पतली जो सींक होती है उस सींक को उस थन के अंदर डालना है 2 या 3 इंच तक जितना थन है, और आपको ऐसा 2 या 3 बार 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 चेंज करके ऐसा करना है, 1 या 2 घंटे तक रखना है, ये तो आपको रेगुलर करना है। और उस थन का जितना भी दूध आ रहा है, 1 बूंद 2 बूंद जो भी कुछ भी आ रहा है वो पूरा आपको छाटने की कोशिश करना, निकालने की कोशिश करना। इसके अलावा दोस्तों आपको नाइट में एक फॉर्मूला देना है, यदि वास्तव में ओनली थन ही बंद है, सेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है कि 50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 50 ग्राम काली जीरी का पाउडर, काली जीरी आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, और दोस्तों यदि ना मिले तो आप हमारे को ऑर्डर कर सकते हैं, आपको हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। तो 50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर और 50 ग्राम काली जीरी का पाउडर और 300 से लेकर 400 ग्राम देसी घी, इन सभी को मिला के और उस पशु को नाइट में देना है। ऐसा आपको रेगुलर 5-7 दिन तक आपको रेगुलर देना है, तो उस थन से दूध आना शुरू हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों हमने जितने भी फॉर्मूले बताए हैं ये गाभिन पशु को नहीं देना है, और यदि आपको देना है तो आप एक बार देने से पहले हमारे को कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम किस प्रकार से उस फॉर्मूलों को देना है आपको हम बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिन पशुओं की प्रॉब्लम हो रही है उन पशुपालक भाई को इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों फिर आपके सामने हम एक यूनिक वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए बाय।